राहगीरों से लूटपाट करने वाले सातिर गैंग के 5 अभियुक्तों को आगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों से चोरी की मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन व लैपटॉप, एक देसी तमंचा, 315 बोर व जिंदा कारतूस की बरामद। मामला थाना शमशाबाद और ताजगंज क्षेत्र का है, जहां गिरफ्तार अभियुक्त रास्ते में आते जाते लोगों से लूटपाट करते थे, जिससे दोनों थाना क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। नवबारा समाचार आगरा से राजीव कंचन। मैं शमशाबाद के काम पे आता हूँ, रोज काम पे यानी साल भर के मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं रोज आना जाना था, मेरा रोज का डेली का काम था। हाँ। तो मैं 6 बजे छुट्टी करता हूँ दुकान से। हाँ। तो मैं घर पर आ रहा था, उन्होंने बच्चे ने फोन किया कि पापा मेरे लिए पनीर ले आना। हाँ। मैंने कहा लल्लू मैं तो निकले आया हूँ घर दुकान से। तो आपको गाड़ी को कैसे कौन रोका, कैसे क्या? ऐसा था कि मैं लहरा पे धीरे गाड़ी चला रहा था, मैं जाएंगे गाड़ी होगी मेरी 20 की 25 की स्पीड पे। हाँ। ये एक गाड़ी आई स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में। हाँ। मैंने साइड में लगा कर ली, मैंने स्पीड में कर जाएंगे, मैंने कही तो उन्होंने आगे मेरी आगे गाड़ी लगा दी। मैंने 3 जने उस पर पहले उतर के मुझे पकड़ लिया, मुझ में दे दिए दो चार, मुझे खींच के ले गई पुलिस। मैं चक्कर उठ रहा वहाँ पे उन्होंने मारपीट की, उन्होंने कट्टा रख दिया मेरे छाती पर, कैसा तेरे को भी मैं मार दूंगा। मैंने ये मेरे पास तो कुछ है नहीं पैसे, मैंने कही तो एक ने कही कि आने की छोड़ दो इसने इसे, एक ने कही कि नहीं साले गाड़ी ले चलो, क्योंकि गाड़ी लेके भाग गई। अच्छा, अब गाड़ी मिल गई तो आप खुश हैं? हाँ सर, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया था सर, गाड़ी के चक्कर मैंने ऐसे ऐसे ली थी, गरीब लोग था। चलो बढ़िया है, हमारा टीम बहुत अच्छा काम किया सर, सर ने बहुत मदद की है मेरे साथ, गाड़ी ढूंढ के लिए। आपकी गाड़ी मिल गई है, पुलिस को लेकर आपका क्या मतलब? जो गांव के लोग बोलते थे क्या? गांव के लोग बोलते थे कि गाड़ी कट गई होगी, पुलिस तो हफ्ता लेती है सर। मैंने कही चलिए बढ़िया है, कोर्ट से आपका बाइक छूट जाएगी, आपको मिल जाएगा बढ़िया। चलिए धन्यवाद। 5 लुटेरों को सर गिरफ्तार किया है पुलिस ने, किस तरह से लुटेरे गिरफ्तार किए, क्या कुछ इनके बारे में जानकारी है? हमें 4 फरवरी को शाम को करीब 6:30 बजे डायल 100 के द्वारा सूचना मिली थी कि 2 बाइक में 4 लोग आके इसका जो अपना वादी है लीलाधर गढ़ी, सो योगेश कुमार सन ऑफ लीलाधर गढ़ी, इनके द्वारा इनके पास जो मोबाइल फ़ोन है और मोटरसाइकिल है प्लैटिना, इनसे छीन के भाग गए थे। इन्हीं के तहरीर पर मुकदमा लिखी गई थी, 392 लूट की मुकदमा। तो तब से हमारा टीम जो शमशाबाद टीम है वो और उसके ऊपर काम करने लगी, तो पता चला है कि ये लोग ताजगंज क्षेत्र के रहने वाला है, तो थाना ताजगंज वालों से संपर्क किया गया। दोनों टीम साथ में मिलकर इन पे काम करना शुरू कर दिया है, तो पतारसी सुराग रसी के द्वारा इनका लोकेशन पता चल गई है। और उसी के दौरान 8 तारीख को दूसरा एक घटना हुई थी थाना ताजगंज क्षेत्र में, उसमें वादी है मनीष कुमार, इनसे भी लूट हुई थी, तो इनसे तमंचा दिखाकर 1 लैपटॉप और 1 वीवो मोबाइल ये भी चुरा के भाग गए थे। इसमें भी यही लोग शामिल थे, तो ये लोग को अपना पुलिस टीम सकुशल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इनका पुराना इतिहास है दोनों का, कई लोग का आपराधिक इतिहास है। गिरफ्तार अभियुक्त में शमशाबाद में है और ताजगंज में है। इन लोगों के खिलाफ पूर्व में भी 392 394 आर्म्स एक्ट में भी इन लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं। तो इनमें से वैसे शमशाबाद घटना में 4 लोग थे और इस घटना में भी 5 लोग थे जो ताजगंज क्षेत्र में हैं। तो ये 4 लोग के साथ और एक अतिरिक्त व्यक्ति था ताजगंज घटना में, कुल मिला के 5 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। ये लूटपाटी सर करते हैं या फिर मतलब कुछ और भी काम या पेशेवर लुटेरे ही हैं? फिलहाल लुटेरा का ही एंगल है इसमें, कोई ऐसा पूर्व और कोई बॉडी ऑफेंसेस का इसमें कुछ है नहीं।